उस जीवन तो, उस तरह के समर्पण तो, उस तरह की भक्ति तो जो चेले आते, जिस तरह का त्याग उन्होंने से, किन्ने पथराव किए गए, कि बेइज्जत किए गए, किन्ने ताने मारे गए, कई बार उन्होंने जानों मारने की कोशिश की गई, और किस तरह रात दिन मगन से। यार ऋषि कह रहे हैं कि असं पहली कासना या संस्थाव तो बेहतर हाँ, पर उन्होंने चेलिया तो जो उन्होंने जीवन सिखा से किन्ने दूर ने। आमें। आमें। किन्ना वधिया जीवन जी रहे सन, किन्ने ज्यादा मसा हेक सन, और किन्ने वादो समर्पित सिगे, और जो उन्होंने आज्ञा दी गई उस पोजीशन देते, उस पदवी देते, और मजबूती के नाल खड़े सिगे। हालेलुया। पर इतने 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, और 40-40 साल हो गए, मैं अपनी गल करता है 38 साल लोगों, और ये तो भी बात कई परमेश्वर के नाल चलदियां नूं कह रहा 30 साल तो मैं मैसेज आया, 20 साल तो मैं 15 साल दे विच 15 साल बीत गए मैं मैसेज आए, 10 साल हो गए, पर वो जीवन नहीं जिसकी असं लोच कर रहे, उन्होंने विश्वास नहीं जिसकी असं गल कर रहे। हमें एक सच्चे विश्वासी होने के नाते यह जरूरी है कि असं जानिए असं कित्थे हाँ, कि जगह ते हाँ, कि स्थान देते हाँ। हालेलुया। और कि असी संपूर्ण मनुख के ढांचे ढल रहे हाँ, और जब ढल रहे हाँ कि असी कितना कुछ आई देते हाँ, साडा सफर कितना तय होया है, या कितने असी उसे गिरे खड़े जिते असी कहने 15 साल पहले मैं प्रभु नूं कबूल किया सी, बस लगातार संगता चाहिए जाते, और दिमागी ज्ञान बदी जा रहा, और बहुत ही इंटलेक्चुअल विश्वास है सिर्फ, और जो मन में बिल्कुल काम नहीं आवेगा। गल मैं इसलिए कर रहा तुम उलांभे नहीं, किसी ताड़न नहीं, या गुस्से नहीं, पर मैं सोचना सी गंभीरता समझिए, क्योंकि नवे गंभीर हो जाओ जा नहीं तो विनाश हो, उन्हें कहा एक तरीका गंभीर हो जाओ, एक तरीका बचने का, जो नहीं गंभीर होना तो उन्हें क्या नाश हो जाओ, और दूजा ने क्या टोकन प्राप्त करो या फिर नाश हो। आमें। 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 सो सच्चे विश्वासियों के नाते तुम जानना चाहते हो कि कितने हो, तुम संपूर्ण मनुख के ढांचे च ढल रहे हो, कि जी परमेश्वर के सुभाव के उत्ते सूरत के उत्ते आ रहे हो। आमें। आमें। या तुम आना चाहते हो, जोड़ा चाहते हो चंगी है, चंगी कर रहे हो फिर अगे बढ़िए, क्योंकि असि असलियत चाहते हैं, अभी कुछ सख्त मजबूत चाहते हैं, अभी चाहते हैं जो सॉलिड हो कुछ, या कुछ भी परतावे या कोई भी चीज खत्म ना कर सके, कोई सॉलिड चीज जिन्हों सा पकड़ हो, और चाहे तूफान आन हड़ आन आमें, और चाहे भूचाल आन अभी सुरक्षित हो। हालेलुया। आओ असलिया उत्ते चलिए, आओ असलिया पढ़िए, और आओ जय स्थिति चलिए, और जय पड़ा जय खेत जितने अपने भैन भराव को याद सकिए, और जाने ही उन्होंने हाथ पढ़िए, और महसूस करिए कि जो शक्ति निकली है उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ है, रात मिला जप्पी पाने मसीही हालेलुया तो मिलने शक्ति प्राप्त की है, उस